हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों कनप्पा, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ तेलुगु इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी कनप्पा का फाइनली टीजर रिलीज हो गई है। दोस्तों देखो यार, ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। दोस्तों इस मूवी के लीड एक्टर हैं दोस्तों विष्णु मांचू। लेकिन टीज़र की बात करें तो यार टीज़र बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे दोस्तों। खासकर टीज़र में भाई वो जो विजुअल्स थे ना भाई, ज़बरदस्त है। मैं बोल सकता हूँ ना भाई, ये टीज़र देखने के बाद ना आप ना VFX के नाम पे जो चुतिया काटते हैं ना लोग, वो चीज़ को आप भूल जाओगे। लिटरली बोलो VFX का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। ज़्यादातर रियल लोकेशन पे इन्होंने शूट किया है। विष्णु मांचू जिस अवतार में दिख रहे हैं, बोले तो जिस तरीके से वो जंग लड़ रहे हैं यार, ज़बरदस्त दोस्तों। उसके बाद तो यार सोने पे सुहागा था जब अक्षय कुमार की इंटरव्यू हुई, जी हाँ दोस्तों। और एक और हमारे बोले तो तेलुगु के सुपरस्टार प्रभास सर, मतलब कि यार क्या ही बोलूँ मैं ये दो सुपरस्टार के बारे में, दोनों की जो इंटरव्यू हुई ना भाई, जो हल्का हल्का झलक दिखाया ना। देखो यार, पहले तो अक्षय कुमार का इंटरव्यू होती है, हल्का सा आंखें बंद करके यहाँ पे तिलक वाइट वो नज़र आता है। उसके बाद प्रभास सर की जो इंटरव्यू होती है चलते हुए, उनका भी वो सर का ऐसा वाइट, उसके बाद थोड़ी आँखें दिखती है उनकी। उसके बाद फिर एंड में अक्षय कुमार वापस से आते हैं, जब वो आवाज़ लगाते हैं विष्णु करके, ऐसा कुछ आवाज़ लगाते हैं दोस्तों विष्णु मांचू। तो यार मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ट्रेलर। इसमें दो कैरेक्टर और हैं जो कि काजल अग्रवाल हैं, मलयालम के सुपरस्टार अपने ये हैं मोहनलाल हैं दोस्तों। देखो यार, ये मूवी पैन इंडिया रिलीज हो रही है और इन्होंने बहुत अच्छा एक तरीके से कैमियो ले लिया, जैसे कि अक्षय कुमार को उन्होंने ले लिया हिंदी वर्जन के लिए, अब तेलुगु के लिए उन्होंने प्रभास सर को ले लिया, मलयालम के लिए उन्होंने मोहन सर को ले लिया, काजल अग्रवाल तो है ही है दोस्तों। तो यार ये मूवी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे हो सकता है धमाका करे दोस्तों, क्योंकि अक्षय कुमार को देखने तो जाएंगे। अपना अक्षय कुमार का वो जो रोल दिखाया है इसमें, वो कैरेक्टर आप ऑलरेडी OMG 2 में देख लिए दोस्तों। तो मेरे को काफ़ी पसंद आया ट्रेलर दोस्तों। हालांकि आपको बता दूँ कि ये साल अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्मों में भी नज़र आने वाली है, जैसे कि उनके भी रसर फिर आने वाली है, खेल में आने वाली है, सूर्यवंशी का जो उनका कैरेक्टर सिंघम 3 में वहाँ दिखने वाले हैं, वेलकम 3 में दिखने वाले हैं। यार क्या ही बोलूँ मैं अक्षय पाजी के बारे में दोस्तों। अब प्रभास सर की बात करें तो कल की आ ही रही है दोस्तों। तो बस भाई इतना ही। आपको कैसी लगी कनप्पा का टीज़र आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।